लद्दाख में सख्ती से चीन के साथ पेश आ रहे भारत ने अब उसे आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए देश के 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है और गूगल को अपने प्ले स्टोर से उन सभी ऐप्स को हटाने का आदेश भी दे दिया है। भारत की इस कार्रवाई से चीन अब घबरा गया है और इस पर दुख जताते हुए स्थिति पर नजर रखने की बात करने लगा है। अभी तक गलवान में हेकड़ी दिखा रहा चीन भारत के इस एक्शन के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देने लगा है। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत में चीनी ऐप्स पर लगाए बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन को काफी चिंता है और वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा से अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों को पालन करने का कहती है। भारत सरकार को चीनी समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन करने का बड़ा फैसला लिया था। बैन किए गए इन ऐप्स की लिस्ट में ढेरों पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं, जिनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे नाम हैं। ऐप्स को बैन किए जाने की वजह इनका चाइनीज होना ही नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मानते हुए ऐसा किया गया है। करीब 59 ऐप्स को जल्द ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी तैयारियों का पीएम मोदी ने अपडेट लिया है। एक हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों से इस दिशा में उठाए कदम की जानकारी ली। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि समय से टीका विकसित करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े स्तर पर टीकाकरण की योजना जल्द तैयार होनी चाहिए। भारत में एक कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, बाकी 3 वैक्सीन डेवलपमेंट फेज में है। पीएम मोदी ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहले टीकाकरण उनका होगा जिन्हें खतरा ज्यादा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नॉन मेडिकल फ्रंट लाइन वर्कर्स आदि। टीकाकरण में किसी तरह के निवास प्रमाण पत्र जैसी बाध्यता नहीं होगी। वैक्सीन न सिर्फ सस्ती होनी चाहिए बल्कि सबके लिए सुलभ भी होना चाहिए। कोरोना काल में छठी बार देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मंगलवार को गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था होगी, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने और क्या कहा, सुनिए। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है, बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है, अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच फ्रांस ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जताई है। उन्होंने सोमवार को रक्षा मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि वह दोनों के बीच जारी बातचीत पूरी करने की इच्छुक हैं। पर्ले ने कहा कि भारत और फ्रांस अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने लिखा कि राजनाथ सिंह के नियंत्रण पर वे उनसे मिलने को तैयार हैं और बाकी की बची बातचीत को पूरा करना चाहती हैं। उन्होंने अपने पत्र में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने लिखा कि यह जवानों, उनके परिवार वालों और देश के लिए एक झटका है।
इस मुश्किल घड़ी में मैं दोस्त भारत के प्रति फ्रांस सेना की तरफ से दोस्ती प्रकट करती हूँ। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरी श्रद्धांजलि पूरी भारतीय सेना और शहीदों के परिवार वालों को दें। आपको बता दें कि भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा कर चुका है। 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस में भारत को 6 राइफल विमान मिलने वाले हैं।